जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। खास होने की वजह है कि सितंबर 2023 का जो महीना है, उस महीने के अंदर ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन, वक्री होना, मार्गी होना क्या लेकर आया है आपके लिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल या मंथली प्रेडिक्शन या मंथली हॉरोस्कोप। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रहों की भूमिका 1 सितंबर के दिन किस प्रकार की है और उन ग्रहों का आपका पूरे महीने आपके स्वास्थ्य, आपके सम्मान, आपकी हेल्थ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, आपका विवाह, आपकी शिक्षा, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ बताकर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 सितंबर के दिन आपकी राशि में केतु चल रहे हैं लंबे समय से। पंचम भाव में योग कारक शनि वक्री होकर बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में गुरु हैं, राहु के साथ हैं। जहाँ राहु बाल्यावस्था के हैं तो 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आपके दशम भाव में देखें तो राशि के ही मालिक शुक्र बहुत बली होकर बैठे हैं, वक्री से मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को। एकादश भाव में एकादश के स्वामी सूर्य हैं, बुध के साथ हैं। सूर्य 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो वहीं बुध 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल बैठे हैं 12वें घर के अंदर। आइए सबसे पहले आपके स्वास्थ्य का हाल जान लेते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य, सम्मान, आपका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा। ये सब निर्धारित होता है आपकी राशि के मालिक शुक्र पर। क्या आपकी राशि में केतु है और उस दौरान उस पर वक्री गुरु का प्रभाव भी रहेगा, यानी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता नजर आ रहा है। राशि का मालिक शुक्र, सबसे अच्छी बात है कि दशम भाव कर्म स्थान में है, यानी इस दौरान कर्म करने की इच्छा जागृत होती है या ऐसा प्लेनेट आपसे कर्म कराएगा, नौकरी कराएगा, व्यापार कराएगा, यानी आपको खाली नहीं बैठने देगा। ये प्लेनेट अब वक्री से मार्गी होगा, यानी अब इस प्लेनेट की चाल सीधी होगी। जितनी मेहनत इस ग्रह ने करानी थी वो आपसे करा ली, अब तो ये आपको कुछ देने के लिए आया हुआ है। तो वो हमें यहाँ शुक्र ग्रह की वजह से दिखता है कि शुक्र ग्रह दशम भाव में शुभ ग्रह होकर कर्म स्थान में बैठे हैं, अच्छे कर्म कराएंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ दिखाई दी। हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी इस महीने नहीं है। आत्मविश्वास बना रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा और आप अपने एनर्जी से अच्छा काम कर पाएंगे। अगर हम देखते हैं तो भाग्य स्थान और लाभ स्थान के एक सुंदर धनयोग बन रहा है सूर्य और बुध का। आप इसको बहुत नोटिस कीजिए कि भाग्य का मालिक बैठा हुआ है 11th हाउस में, उसके साथ 11th लॉर्ड सूर्य भी है। यानी महीने में अगर देखें तो 17 सितंबर तक सूर्य और बुध का एक, जिसको हम बुध आदित्य योग बोलते हैं, वो एक अच्छा योग एकादश भाव में बनता है, जिसका सहयोग होता है भाग्य स्थान से, जिसका सहयोग होता है एकादश भाव से, यानी सूर्य और बुध की युति होती है। वहीं वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ होगी तो वक्री शनि की दृष्टि भी यहाँ होगी। यानी एकादश भाव जो कि हमारे इनकम का भाव है, जो कि हमारे पैसे का भाव है, हमारे लाभ का भाव है, कि हमने नौकरी से तरक्की ले ली, व्यापार से तरक्की ले ली, या हमारी नौकरी अच्छी हो गई, हमारा व्यापार अच्छा हो गया, या किसी को नौकरी मिल गई, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी को व्यापार का बड़ा काम मिल गया। क्योंकि लाभ भाव पे जब 4 ग्रहों का संबंध बनता है तो वो 11वें घर में संबंधी लाभ का भाव है, प्राप्तियों का भाव है, हमने जितनी मेहनत करी है उसका हमें फल मिल रहा है, क्योंकि वो कर्म स्थान से दूसरा स्थान, कर्म जहाँ हम काम करते हैं 11th हाउस, यानी इससे दूसरा जहाँ से हमें पैसा मिलता है। यानी सबसे अच्छी बात, एकादश भाव इस पूरे महीने सबसे ज़्यादा बली रहने वाला है, यानी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अच्छा समय है। आप पिछले समय से जितनी भी मेहनत करते हुए आ रहे हो, उस मेहनत का आपको इस दौरान फल मिलने की बहुत अच्छी उम्मीद हो जाती है, वो हमें यहाँ इस सूर्य, बुध, शनि और बृहस्पति की दृष्टि से प्राप्त होता है। तो एक अच्छी स्थिति। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को होगा, जबकि बुध यहीं रहेंगे। सूर्य पहुँचाएंगे, लाभ के मालिक होंगे यहाँ पर, यानी फिर बनेगा सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन राजयोग, यानी यात्राओं से लाभ लेने का समय हो जाएगा 17 सितंबर के बाद। दूर की यात्राओं से लाभ लेना, ट्रैवलिंग से फ़ायदा होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा होना, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना काम कहीं बाहर से जोड़ लूँ या मेरी नौकरी बाहर से हो जाए, तो वो सब कुछ भी हमें यहाँ से ही पता लगता है। तो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ इस कंडीशंस पर दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आपकी शिक्षा इस महीने कैसी रहने वाली है। ये भी पंचम भाव का मालिक शनि है, पंचमेश पंचम भाव में वक्री होकर बैठा है।
ये मजबूत है, यानी एजुकेशनली ये ठीक है, शिक्षा के हिसाब से बुद्धि ज्ञान आपके प्रेम संबंधों के हिसाब से स्थिति शुभ है। तो वहीं सूर्य और बुध दोनों मिलकर भी पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भाग्य और लाभ के मालिक के, इस दौरान मैंने जो पढ़ा या मैंने जो सीखा या मैंने जो बुद्धि लगाई, मेरे जो निर्णय थे वो मुझे कहीं ना कहीं फलीभूत होते दिखाई दिए। यानी ये समय आपके लिए जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति को देने में सक्षम है, यानी शनि और अधिक मजबूत हो रहे हैं क्योंकि सूर्य और बुध का उस पर प्रभाव। तो शिक्षा के हिसाब से देखें, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, वर्क के हिसाब से देखें, स्थिति ठीक है, क्योंकि कर्म भाव हमारा इस महीने सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ पर शुक्र है, लाभ भाव से ग्रहों का अच्छा संबंध बन रहा है, तो ये सब स्थितियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस महीने अपने वैवाहिक जीवन पर, कि सप्तम भाव में गुरु राहु के साथ है लेकिन गुरु वक्री है। अब गुरु का केंद्र में वक्री होना शुभ है, मैंने इसके बारे में एक विस्तार से एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कि गुरु वक्री होने पर क्या फल देंगे। लेकिन मंगल 12वें घर से बैठकर यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर वक्री गुरु है, तो इस दौरान पति पत्नी के साथ संबंधों में कुछ तनाव आने की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, यानी मतभेद होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता इस महीने बन सकती है, इस बात का भी थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल अगर 12वें घर में हो तो मंगल दोष होता है, उसके प्रति रीजन यही है कि वो 12वां घर है आपके बेडरूम का, वहाँ पर अशुभ ग्रह जाता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो वही मंगल जैसे ग्रह की अशुभ दृष्टि, अष्टम दृष्टि अगर यहाँ पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स या कलहकारी हो जाती है, इसलिए 7वें घर से संबंधित शुभ फलों में इस दौरान कमी होती दिखाई देगी। हालांकि वक्री बृहस्पति बहुत कुछ संभालने में सक्षम होगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज और मतभेद दिखते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। इस महीने सिर्फ यही एक कमजोरी है तुला राशि के जातकों के लिए, बाकी सभी स्थितियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी सफलता इस दौरान आपको मिलती दिखाई देगी। धन का मालिक 12वें घर में है, कारक बृहस्पति राहु केतु एक्सेस पे है। इसको कहा जाता है धन को खर्च करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आर्थिक फैसले लेने में थोड़ी सी समझदारी बरतनी होगी, तभी ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर रूप में दिखाई देगी। इस महीने बृहस्पति का बीज मंत्र करना, हनुमान जी की पूजा करना भी आपके लिए बेहद शुभकारी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का विषय कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2023 का महीना। जय श्री राम।